हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीरो जी क्लासेस बाय दिव्या में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अबाउट द इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के बारे में और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में भी आज मैं डिस्कशन करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। जो ICGDN है उसके हिसाब से, उसके रूल के हिसाब से हमारे जो ऑर्गेनिजम्स का साइंटिफिक नेम दिया गया है, जैसे ह्यूमन का होमो सैपियंस हो, कि जो पी है उसका पाइसोम सैटिवम हो, को जो रेड फॉक्स आता है उसका भाइपेंस हो, तो ये सब जो साइंटिफिक नेम जो ऑर्गेनिज्म को दिया गया है, कैसे दिया गया है, इसी के वजह से, ICGDN के वजह से। तो हम आज पढ़ेंगे अबाउट द ICGDN। तो ICGDN को बोला जाता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जहाँ पर आई जो है इंटरनेशनल और सी जो है उसका फुल फॉर्म जो है कोड, और जेड जो है उसका है जूलॉजिकल, और एन जो है उसका है नोमेनक्लेचर। ये जो वाइडली एक्सेप्टेड कन्वेंशन इन जूलॉजी, जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है, और उसकी जो रूल्स है दैट द फॉर्मल्स साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मैंने अभी बताया कि जो साइंटिफिक नेम जो है ऑर्गेनिजम्स का, उसको देने का जो 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 जिसने दिया है, ठीक है, वही है ICGDN। और इट इज़ ऑल्सो इनफॉर्मली नोन एज द ICGDN कोड, हम इसको कोड भी बोलते हैं, ICGDN कोड, ठीक है। फॉर इट्स पब्लिशर द इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, द रूल्स प्रिंसिपली रेगुलेट। तो इसकी क्या क्या रूल्स है हम अब जानेंगे, ठीक है। तो जो रूल्स है, रूल्स ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, द नेम शुड कंटेन टू वर्ड्स। जो नेम्स होता है ना, जो साइंटिफिक नेम्स होता है, वो टू नेम्स होना चाहिए। ये बता रहा है रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। हमारे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी है जिसमें थ्री वर्ड्स भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सब जो ऑर्गेनिजम्स है उनके जो नाम्स है वो टू वर्ड्स होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये बता रहा है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। हमारा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी है जिसमें ऑर्गेनिजम्स का जो साइंटिफिक नेम होता है वो थ्री वर्ड भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होमो सैपियंस है, हम एग्जांपल की तरह उसे ले सकते हैं, जहाँ पर होमो इज़ द जेनस और सैपियंस है, सैपियंस जो है स्पेसिस। तो यहाँ पर टू वर्ड है, द नेम शुड डिराइव्ड और एडप्टेड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज। और जो वर्ड है होमो हो या सैपियंस हो, ये सब किसकी लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है लैटिन का। द फर्स्ट लेटर ऑफ द जेनेरिक नेम शुड बी कैपिटल एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द स्पेसिस नेम शुड बी स्मॉल। तो क्या होता है यहाँ पर, यहाँ पर देख लीजिए, जो होमो जो है, हमने जान लिया कि होमो है जेनस, और जेनस क्या है, कहाँ से आया है, हम सब देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंडर में आएगा। तो जो आयता है, जहाँ पर देखेंगे हम क्या देखेंगे कि हम होमो जो है जेनस और सैपियंस है स्पेसिस। और यहाँ पर जो एच लेटर है, एच लेटर जो आता है, और एच लेटर क्या है, जेनस का फर्स्ट लेटर, वो क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर, जहाँ पर एच कैपिटल है। और जो सैपियंस है, जो स्पेसिस है, वो क्या होगा, स्मॉल लेटर होगा, जहाँ पर एस है स्मॉल लेटर, ठीक है। तो इसका रूल्स था। और फिर और एक रूल है कि ए स्पेस इज केप्ट बिटवीन टू नेम्स, जो दो नेम्स होंगे या थ्री नेम्स होंगे उनके अंदर एक स्पेस होना चाहिए, जहाँ पर देख लीजिए होमो और सैपियंस के बीच में कुछ स्पेस भी है। इसका मतलब ये है कि हमें स्पेस देना चाहिए, हम ऐसे लगाकर नहीं लिख सकते हैं, रूल्स के अंडर में नहीं है। इसलिए द नेम शुड बी इटैलिक फॉर्म इन प्रिंट और सॉफ्ट कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी में या जब हम प्रिंट करते हैं, हमें इटैलिक फॉर्म में लिखना चाहिए। इससे नहीं हमारे माइंड में एक बात आती होगी कि जो होमो सैपियंस है, या हमने जब लिखेंगे साइंटिफिक नेम, हमें तो नहीं आता है ना, जो इटैलिक फॉर्म में लिखना नहीं आता है, तो हम कैसे लिखेंगे। ये सिर्फ बता रहा है कि हम जब प्रिंट करेंगे या सॉफ्ट कॉपी में हम लिखेंगे, तभी हम सिर्फ इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन अगर हम हैंड रिटन में जब लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे सेपरेटली, अंडरलाइन फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पर देख लीजिए होमो और सैपियंस को अंडरलाइन फॉर्म में लिखा गया है। तो इस तरह से हम हैंड रिटन में लिखेंगे और हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी नहीं होगा। फिर आते हैं हम इसको किसने इससे जो थ्योरी है, जो रूल्स है, तो ये सब किसने निकाला है। तो ये कौन थे, ये थे
कैरोलस लिनियस, जो कि वॉज फर्स्ट यूज्ड और मेड पॉपुलर बाय स्वीडिश बोटानिस्ट बोटानिकल टैक्सोनोमिस्ट कैरोलस लिनियस इन द 1700। तो इसने क्या किया था, फर्स्ट यूज़ किया था, एंड आफ्टर दैट वॉज यूज मैनी अदर बायोलॉजिस्ट, उनके बाद और अदर बायोलॉजिस्ट जो है उन्होंने यूज़ किया था, इसीलिए उनको कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो याद रखना है, जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन थे, वो थे कैरोलस लिनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी थे। वन ऑफ द पॉपुलर बुक्स बेस्ड ऑन नोमेनक्लेचर वाज, जो नोमेनक्लेचर है, नाम पद्धति जो है, नामकरण जो किया गया था, उनका तो बहुत सारा बुक था ना, तो उनमें से जो सिस्टम एंड नेचुरा जो बुक था, उनमें से पॉपुलर बुक था जिनमें से उन्होंने ये सब निकाला था, ये सब। ठीक है, अब हम देखेंगे कि और भी सारा बहुत सारा रोल से जेनेटिक नेम शुड बी फॉलोड बाय द स्पेसिफिक नेम। तो क्या होता है, जेनस के बाद स्पेसिस आता है, ऐसा क्यों है, तो हम आगे जानेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम जब देखेंगे, जो कि है टैक्सोनॉमिक रैंक, इज द रिलेटिव लेवल ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है उनके जो लेवल है उनके अकॉर्डिंग क्या करा जाता है, इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की रैंक करा जाता है, रैंक सिस्टम में उनको डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। तो आसान होता है जब हम उनको नेम देते हैं, नेमिंग देते हैं, तो आसान होता है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट है तो उनको नाम देना आसान नहीं है। ऐसे भी हो सकता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का सेम भी नेम हो जाएगा ना, तो हमें स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है और रैंक देखना पड़ता है कि किसका अंदर जाएंगे, उसका फाइलम क्या होगा, किंगडम क्या होगा, ये सब देखना पड़ता है। तो एग्जांपल्स ऑफ टैक्सोनॉमिक रैंक जो है, क्या है टैक्सोनॉमिक रैंक, वो है स्पेसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम और डोमेन, ये सब है क्या टैक्सोनॉमिक रैंक। देखो, रेड फॉक्स जो है, जिसको कहते हैं भल्पेस, भल्पेस जो है तो उनका डोमेन है यूकेरिया, किंगडम है एनिमलिया, फाइलम है कॉर्डाटा और क्लास मामालिया, ऑर्डर कार्निभोरा, फैमिली कैनिडी, जेनस भल्पेस और स्पेसिस भी भल्पेस भल्पेस। तो हम पा गए हैं, इस तरह से हम जब करेंगे ना, हम जब क्लासिफिकेशन करेंगे इस तरह से यूज़ करेंगे, फर्स्ट आता है डोमेन, ये सब याद रख लेना इजी होगा। तो हमने यहाँ से ही जेनस स्पेसिस जो पाया है, और इस तरह से हम नेम करते हैं, नेमिंग सिस्टम करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइव स्पेसिस फॉलो। तो जो फ्रूट फ्लाई होता है उसका क्या है नेम, उसका है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, साइंटिफिक नेम है फ्रूट फ्लाई का। और ह्यूमंस का क्या है, ह्यूमंस का है होमो सैपियंस, और पीस का क्या है, ग्रेगर मेंडल ने जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है उन्होंने पीस को यूज़ किया था, और क्या है उसका नेम है पाइसम सैटिबम, और द फ्लाई अगारिक मशरूम का नाम है अमनिता मस्कोरिया, एंड द बैक्टीरियम है इस्चेरिया कोलाई। द एट मेजर रैंक्स आर गिवन एंड बोल्ड सेक्शन ऑफ माइनर रैंक्स आर गिवन एज वेल। तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अबाउट द टैक्सोनॉमिक रैंक के बारे में, और ये था क्या फाइव स्पेसिस के जो क्लासिफिकेशन है किस तरह से हुआ था, यही बता रहा था। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइव स्पेसिस फॉलो, फ्रूट फ्लाई फैमिलर इन जेनेटिक्स लेबोरेटरी, और ह्यूमंस होमो सैपियंस, द पीस यूज्ड बाय ग्रेगर मेंडल इन हिज डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक्स, द फ्लाई एगारिक मशरूम अमनिता मस्कोरिया, एंड द बैक्टीरियम इस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट द टैक्सोनॉमी रैंक, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड द आईसीजेडन रूल। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड वीडियो कैसे लगा जरूर बताना। मैं खूब जल्दी और एक वीडियो के साथ आऊँगी और कुछ आपको टीच करूँगी। तो थैंक यू सो मच।